Good morning all of you. I hope you all are fine and safe at your home. As you know, in maths, our chapter number 7, fractions, is going on. Today we will do exercise 7.4. Our first sum is, write shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order using correct sign between the fractions. First sum में हमें क्या बोल रहा है राजे, हमें figures given है. फिगर्स के जो पार्ट्स हैं कुछ शेड किए हुए हैं और हमें बोला हुआ है कि आपको फ्रैक्शन बतानी है और उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रैक्शंस में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. क्लियर? तो हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे रजे इसका. हाँ जी, ये सर्कल है, इसमें कुछ पार्ट शेड हैं और कुछ अनशेड है, तो हमें शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन बतानी है. क्लियर? जैसे फर्स्ट में देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कितने पार्ट्स हैं सर्कल के, 8 पार्ट्स हैं. तो मैंने आपको बताया हुआ राजे टोटल कहाँ आता है, हमारा अपॉन में आता है. नीचे राइट करते हैं ना हम टोटल नंबर को. नेक्स्ट कितने शेडेड है राजे, 3 पार्ट शेड है ना, तो हम राइट क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन, 3/8. नेक्स्ट देखिए राजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इसके भी 8 पार्ट हैं, बाय में 8 आएगा. और कितने शेडेड हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6/8. नेक्स्ट देखिए रजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इसके भी कितने पार्ट्स हैं टोटल, 8. और शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 4 क्या है, शेडेड है. नेक्स्ट देखिए रजे, इस सर्कल में जो लास्ट सर्कल है ए पार्ट का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 कितने शेडेड हैं, 1. अब राजे हमने जो है फिगर्स की है इसकी शेडेड पोर्शन की हमने जो है फ्रैक्शन राइट कर ली. अब हमें इसमें अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. फर्स्टली हम किसमें चेंज करेंगे राजे, असेंडिंग ऑर्डर में. देखिए राजे, इस फ्रैक्शन में क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, चेंज नहीं है. फर्स्ट है 3/8, देन है 6/8, देन है 4/8 एंड 1/8. इनके डिनोमिनेटर सेम हैं तो हम इसके न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे. क्लियर? अगर हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं और हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसके न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे. सबसे पहले स्मॉल राइट करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले क्या आएगा राजे, 1/8. देन क्या आएगा राजे, 3/8. देन क्या आएगा, 4/8. देन लास्ट 6/8. अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है. असेंडिंग में हमने कर लिया, डिसेंडिंग में क्या होता है राजे, अपोजिट होता है ना डिसेंडिंग का. तो हमने असेंडिंग में क्या किया था, सबसे छोटा पहले राइट किया था, फिर चलते थे हम ऐसे. अब हम डिसेंडिंग में सबसे बड़ा राइट करेंगे, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट. सबसे बड़ा आएगा पहले, 6/8, देन 4/8, then 3/8 and last में 1/8. Like this you have to arrange. आपने ऐसे ही arrange करना है. Clear? मैं दोबारा repeat कर रही हूँ राजे, अगर आपको descending और ascending order में arrange करना है fractions में, तो firstly आप पहले इनके denominators देखोगे. अगर इनके denominators same हैं तो आप इनके numerator को compare करोगे और फिर write करोगे. Clear? आपने इसको sign में arrange करके write करना है, like this. ऐसे वाला साइन होता है ना हमारा, और डिसेंडिंग में ऐसे. क्लियर? आपने इन्हें साइंस में अरेंज करना है. सेकेंड बी पार्ट देखिए राजे, बिल्कुल सेम है. जैसे ए पार्ट में हमें सर्कल्स के पार्ट किए हुए थे, अब हमें स्क्वेयर के इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 9 पार्ट्स हैं टोटल और शेडेड कितने हैं, 8. तो आपने ऐसे ही इसकी फ्रैक्शंस बना लेनी है और इसे कर देना है. क्लियर? जैसे हमने ए पार्ट किया वैसे ही आपने बी पार्ट करना है. देखिए स्क्वेयर है, स्क्वेयर के इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, कितने टोटल हैं, 9 है और कितने शेडेड है, 8 शेडेड है. तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी रजे, 8/9. नेक्स्ट देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 सभी के 9 है रजे पार्ट्स. क्लियर? 9 इक्वल पार्ट्स में कट है. इसके शेडेड कितने हैं रजे सेकेंड में, 1, 2, 3, 4 तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, टोटल हम बाय में राइट करते हैं और शेडेड कितने हैं, 4. तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी राजे, 4/9. थर्ड देखिए,
इसके भी 9 पार्ट्स हैं टोटल और 3 शेडेड है, तो फ्रैक्शन हो जाएगी रजत 3/9, और इसके 3 and 3 6 शेड हैं, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 6/9। अब आपको इजीली अरेंज कर सकते हो ना। इसमें भी देखिए हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम हैं। अब हम इसमें न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा आता है, तो सबसे छोटा कौन सा है रजे इसमें 3/9, देन उसके बाद क्या आएगा 4/9, आफ्टर दैट 6/9 एंड लास्ट में 8/9। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इसे, पहले सबसे बड़ा बड़ा क्या है इसमें 8/9, आफ्टर दैट रजे 6/9, देन 4/9 एंड देन 3/9। हमने इसमें अरेंज कर लिया। अब इसमें साइन लगाएंगे हम ऐसे, क्लियर। आपने भी ऐसे साइन में अरेंज करना है इनको, क्लियर। तो ए एंड बी पार्ट वी हैव डन। सी पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन अ नंबर लाइन। इजिली नंबर लाइन पे इसे शो कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रिक्शन, और इन फ्रिक्शंस के बीच में आपने क्या करना है, साइन पुट करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम नंबर लाइन लोकेट करते हैं पहले हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं। देखिए इक्वल है इसके डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इक्वल है, और मैंने आपको क्या कहा था कि फ्रिक्शन जो होती है 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। तो रजे देखिए 2/6 हमारा कहाँ लाई करेगा, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताई थी नंबर लाइन, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। देखिए पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। हम पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं, नेगेटिव की तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम जो 0 and 1 का जो गैप है ना रजे, इसे देखिए 6 है टोटल और लास्ट में 8/6 भी है, तो हम इसे क्या करेंगे रजे, देखिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 और 1 के गैप को 6 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, कट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो फर्स्ट हो जाएगा राजे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद या क्या बोल रहा है कि हमने जो ये फ्रैक्शंस हमें नीचे गिवन है ना, इनमें अप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो देखिए 5/6 बड़ा या 2/6 बड़ा राजे, कौन सा विच इज़ ग्रेटर, ग्रेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, कंपेयर करना इजी हो जाता है। अगर हमारे फ्रिक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है तो उनको कंपेयर करना इजी हो जाता है कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो हाँ जी कौन सा ग्रेटर है जी, 5/6। आपने सी पार्ट को बुक में ही फिल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका 3/6 बड़ा है या 0 बड़ा है रजी, ऑब्वियसली 3/6 बड़ा है। अब देखिए 1/6 बड़ा है या 6/6 बड़ा है, 6/6 बड़ा है ना रजी, 8/6 या 5/6, क्लियर। ऐसे ही आपने क्या करना है, फिल कर देना है सभी को। सेकेंड सम देखिए रजे, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। जो हमारे 7.4 है इसमें हमें साइंस ही लगाने हैं, बट हमने मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे लगाने हैं रजे। देखिए अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हैं राजे, सेम हैं, तो हम इजीली न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे और इजीली साइन लगा देंगे। सपोज कीजिए अगर हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट है 3/6 बॉक्स है, देन 5/6। आप बोलोगे कि मैम इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये तो ईजी कंपेयर हो गया, हो जाएगा ईजी कंपेयर, हमारा 5/6 बड़ा है। नेक्स्ट देखिए रजे 1/7 and 1/4, अब इनमें से कौन सा बड़ा है रजे, तो हम इसमें कैसे पता लगाएंगे। देखिए रजे जब डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते तब हम कैसे साइन लगाते हैं ग्रेटर एंड लेस देन का, जो हमारे डिनोमिनेटर है ना उनको हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे वर्क करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे रजे। हमने एलसीएम सीखा था ना थर्ड चैप्टर में, हम कैसे निकालते हैं, तो जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे, 7 नहीं जाता, एज इट इज़ राइट कीजिए 2, 2 ज़ा 4, देन अगेन फिर 2 पर जा रहा है रजे,
सेवन एज इट इज राइट करेंगे एंड टू वन ज़ा टू, अब क्या रह गया ओनली सेवन, सेवन वन ज़ा सेवन। अब इनको क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो टू 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 ज़ा फोर, फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, तो हमारा एलसीएम क्या आया राजे 28। अब हम राइट करेंगे एलसीएम, सेवन और फोर का एलसीएम फाइंड आउट किया, क्या आया राजे 28। तो 28 जो हमारा एलसीएम आया, इसको डिनोमिनेटर नीचे वाले से, डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला नंबर होता है ना, डी से डिनोमिनेटर एंड डी से ही डिवाइड, जो हमारा एलसीएम आया उसे हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे रजे। तो 28 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रजे 4 आएगा, जो आंसर आया 4 आया ना मेरा आंसर डिवाइड करने के बाद। अब उस 4 को न्यूमिनेटर से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 वन ज़ा 4, क्लियर। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है न्यूमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, सेम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, कीजिए डिवाइड, क्या आएगा रजे 7 आएगा, 7 आंसर आया, 7 को न्यूमिनेटर से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 7। अब देखिए 4 बाय 28 और 7 बाय 28, अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, अब बताओ विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है 7 बाय 28। तो मीन्स ये वाली जो है हमारी राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन है जो वो क्या है ग्रेटर है, तो ऐसे हम साइन लगा देंगे, क्लियर। जो फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर होगी वहीं आपने साइन लगाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये प्रोसेस रजे, हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, पहले तो क्या था हमारे फर्स्ट सेकंड सब में जो हमारे डिनोमिनेटर सेम थे और हम इजीली न्यूमिनेटर को कंपेयर करके साइन लगा देते थे, बट अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने क्या करना है रजे, उनको सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएंगे, उन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो हमारा एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से, पहले ये वाली फ्रैक्शन है पहले इसके साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देन नेक्स्ट 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है एलसीएम, जो आंसर आता है उसमें हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन सेम नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ भी हमने ऐसे ही किया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो आंसर आया मैंने उसको न्यूमिनेटर के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे जो है डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब कंपेयर करना इजी हो गया, तो इसलिए मैंने ऐसे कंपेयर किया, आपने भी यही रूल फॉलो करना है, क्लियर। आपकी बुक में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल भी गिवन है बट आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे राजे, इसलिए मैंने आपको ये वाला रूल करवाया, आपने ऐसे ही करना है, पहले एलसीएम लेना है देन डिनोमिनेटर से डिवाइड न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, और यही जो आपका रूल है ना ये आपकी प्लस माइनस में भी हेल्प करेगा, अगर ये रूल आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना एलसीएम वाला, देन उसके बाद डिनोमिनेटर से डिवाइड न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसमें अगर आप इसको अच्छे से लर्न करोगे ना तो आपको प्लस और माइनस का कंसेप्ट भी ईजी हो जाएगा इससे, क्लियर। तो नेक्स्ट सी पार्ट देखिए रजे, सेम है डिनोमिनेटर, तो कौन सा विच इज़ ग्रेटर, 5/5 ग्रेटर हो जाएगा ना, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता तो हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं, 4 बड़ा या 5 बड़ा रजे, 5 इज़ ग्रेटर देन 5 पर हम साइन लगा देंगे। डी पार्ट एंड थर्ड सम वी विल डू योर सेल्फ, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जैसे मैंने आपको बी पार्ट सॉल्व करके बताया, क्लियर। तो योर वर्क इज़ टू डू दिस 3 सम्स इन योर पी एन पी।